वो इट्स अ नेचुरल नॉर्मल थिंग. कोई आपका हमारा जो ये जो पोजीशन है ये नेचुरल आती है हम ऐसे, ये हमारा क्या होगा स्टांस हो गया, आप अपने आप को बचा रहे हैं. लेकिन जो ट्रेंड है वो ऐसा करते हैं, जो अनट्रेंड होते हैं वो क्या करते हैं ऐसे करेंगे, आंख बंद कर लेंगे, सामने वाला तो समझ गया आप तो अनट्रेंड हैं. और जो आपको मारने या आपसे कुछ स्नैच करने आता है ही इज नॉट ट्रेंड. एंड जो अनट्रेंड होते हैं अटैक करने वाले दे आर मोर डेंजरस देन द ट्रेंड पीपल. ट्रेंड पीपल ऐसे करेंगे आपको, देखे ना पोजीशन में ऐसे आएंगे, अनट्रेंड सीधा आएगा, बाहर से दिया खींच के, ये खींच के दिया. आपने क्या किया, हाथ आगे किया, डिफेंस किया. लेकिन आप कीजिए हाथ ऐसे, ऐसे जो मारा तो हाथ ऐसे किया तो वो क्या करेगा, ये मारा खींच. लाइन बना लो, क्यू बना लो, क्यू इधर इधर, वेरी गुड. लेफ्ट राइट, आवाज, स्टांस चेंज. सो व्हाट इज दिस, दिस इज अ स्टांस टू फेस द अटैक. ठीक है, अभी आ रहा है. जो अननोन लोग होते हैं बहुत डेंजरस होते हैं, ट्रेंड को मार देते हैं. मुझे क्यों, मैं तो ऐसे करता रहूंगा, आप कहीं से घबराते से देखेंगे. तो दैट इज, इसलिए जो अनट्रेंड लोग होते हैं उससे हम बहुत होशियार रहते हैं, कहां से हाथ चल जाए, कहां से पैर चल जाए, बिकॉज आपको क्या है किसी भी तरीके से हिसाब से मुझे छूटना है. और छूटने के लिए आप कुछ नहीं करेंगे. अब मैं कहूंगा कि सीधा पंच मारे, सीधा मारे, मारिए, ये मैंने पकड़ लिया. अब आपने क्या करना है, जो सामने खड़ा है वो क्या है, आपका कोई रिश्तेदार, कोई दोस्त नहीं है, कोई BFGF नहीं है, तो वो क्या करेगा, सिर्फ आवाज करने से भी आपकी वो बैंड बज जाएगा. हाँ, और दूसरा क्या करेगा, आपको यहाँ पकड़ लिया, आपने कहा पैर चला, मैं प्राइवेट पार्ट पे मार देती हूँ. सब लोग यही सोचते हैं क्योंकि ये सिखाया जाता है, आपने जैसे उठाइए प्राइवेट पार्ट के लिए, ये मारा, ये फांस दिया है ना, और दिया खींचा, ये दिया खींचा, इधर आ जाओ, गॉट इट. अब हमारे सामने क्या कंडीशन आ रही है, हम आपको 9 पॉइंट सिखाते हैं इस चीज में, सेल्फ डिफेंस के 9 पॉइंट. ठीक है, आप थोड़ा सा आगे आ जाइए, चलिए एक दूसरे के सामने गिरने सीख लिए सेल्फ डिफेंस के, आप सारी प्रॉब्लम आपकी सॉल्व हो जाएगी. अभी मैं इनको बताकर आ रहा था, चलो इधर आओ जल्दी आदित्य. अटैक में क्या मैंने बताया, चांटा लगता है, लाते लगते हैं, पुशेस होते हैं. ये जो पंच वाला खेल होता है ना, ये सिर्फ स्कूल कॉलेज के स्टेज पर होता है, या जहां कराटे और सेल्फ डिफेंस सिखाया जाता है. ये उसने ऐसे किया, तुमने ऐसे किया, तो सामने मारने वाला बोलेगा मैं कान पे मारने वाला हूँ, रुक ले. रियल फाइट में कोई नहीं बोलेगा, वो तो मारेगा. उसका एम है कि आप डरो और जो वो चाहता है वो आप करें. आपका एम है कि मैं इसको कैसे छूट जाऊं उससे. हमारे मुझसे भी नहीं करता, बचाओ बचाओ कभी बोलना ही नहीं. आपको बोलना क्या है, गुंडा है मुझ पर अटैक किया है, फोन करो पुलिस को, सुनिए फोन करो, गुंडा गुंडा है, ये गुंडा है. हम घबरा जाते हैं, हम अपने को बचाने के चक्कर में मुंह से हमारे वर्ड्स ही नहीं करते हैं, दैट इज सेल्फ डिफेंस. अब ये क्या करेगा, ये गुंडा है, मैंने पुश किया, मतलब क्यों मार रहे हो, अरे मैंने क्या किया, अरे भाई साहब मत करो, ये दिया ये चला गया. अब इसको पता ही नहीं है के सामने वाला अटैक कर सकता, भाई साहब कर रहा है, वो कैसे अटैक करेगा. अभी इसने ऐसे किया, पुश करो, और इसने यहां से ऐसे पकड़ लिया, और ये पकड़ा, और ये सीधा नीचे. अब आप कहेंगे कि ये तो बच्चा है, मेरे से भी 2 फुट आदमी ज्यादा होगा, उसको भी आप गिरा सकते हैं. क्या चाहिए, कंट्रोल. कंट्रोल इसका मतलब सेल्फ डिफेंस आपको लाइफ में भी इतना हेल्प करेगा कि जब डिसीजन लेने का टाइम आता और आपको लगता कि आपको मेरी कोई मदद के लिए नहीं आया, तो आपको ये ट्रेनिंग करने आ जाएगी. क्वाइट फॉर सम टाइम एंड आप देखेंगे आपके सामने एक स्क्रीन चलेगा आपके थॉट्स का, उसमें डिसीजंस आएंगे. दिस इज व्हाट आई एम गोइंग टू डू. जो मुझे बचपन से सिखाया गया कि लड़की है ऐसा मत कर, लड़कियों को ऐसा नहीं करना चाहिए, वो बात ही नहीं. सो व्हाट आर दे गोइंग टू डू, 9 पॉइंट्स हम आपको सिखाते हैं. आप 3-3 फुट आगे आ जाइएगा, ठीक है, क्या होगा फिल्मों में, क्या फिर दिखाता हूं, वो आएगा ऐसे ही, ये सब नकली है. अगर आप किक उछालो ऐसे ऊपर, ये उछाला मैंने ऐसे मारा, उसका बैलेंस जाएगा, मुंह टूट जाएगा. इसीलिए कभी भी जो ट्रेनिंग सिखाई जाती है स्कूल कॉलेजेस में, दैट विल नेवर हेल्प यू इन सेल्फ डिफेंस, टेकिंग केयर ऑफ योरसेल्फ. इट इज कॉल्ड स्ट्रीट कॉम्बैट. क्या बोलते हैं इसको, स्ट्रीट कॉम्बैट. वी लर्न फ्रॉम क्राव मांगा. क्राव मांगा कहां का मार्शल आर्ट है, इसराइल, ठीक है, मुसा, तो वहां से मैंने सीखा. आई एम द लकीएस्ट सिटीजन ऑफ इंडिया. Alright, तो अभी 9 पॉइंट्स के लिए बजा. पोजीशन, पोजीशन, पोजीशन. फर्स्ट अटैकिंग पॉइंट आइज, नोज, फिर से आइज, नोज, थ्रोट, चेस्ट, डायफ्राम. जो डायफ्राम है वो सबसे डेंजरस चीज है. अगर डायफ्राम पर हल्का भी टच हो गया तो फॉर ए सेकेंड हमारी सांस रुक जाती है. डायफ्राम,
दिस इज, पर कभी भी प्रैक्टिस करते हुए हम मजाक ना करें, अगर सच में किसी को लग गया तो इंसान मर भी सकता है। इसलिए प्रैक्टिस कितनी दूर से देखिए, हमने नाप कर करवाई है। हमें इमोशंस में कुछ भी ऐसा काम नहीं करना कि आपको इंप्रेस करने के लिए कोई गिर जाए बच्चा या कोई भी, ना गलत सिखाना, सामने वाले को मार दो तोड़ दो, नो दैट इज नॉट एट ऑल, इट कैनॉट बी द ट्रेनिंग ऑफ सेल्फ डिफेंस एट ऑल। ऑलराइट, तो डायफ्राम के बाद में हम जाएंगे एब्डोमेन, एब्डोमेन प्राइवेट पार्ट, नीज, शिन, फुट। फुट पर क्यों मारा? अभी जैसे हम आपके सामने खड़े हैं, हम समझ लीजिए पुरुष के सामने, अब हम ये क्यों सोच लेते हैं कि सेल्फ डिफेंस जो है वो सिर्फ अनीता सुनीता पूजा और खुशी के साथ ही होगा, सेल्फ डिफेंस कैन बी विद समीर ऑल्सो। तो अगर हम ऐसे खड़े हैं और ऐसे बात करें, आपने देखा होगा कि जो भी आपसे लड़ने के लिए आता है वो दूर से बात नहीं करता, वो चढ़ता जाता है ऐसे, वो चढ़ेगा तो आप क्या होगा, पीछे हटेंगे, नहीं हटेंगे तो वो क्या करेगा, सर मार देगा। एक बार किसी को ब्लड निकल जाए तो वो कश्मीरी हो जाता है, यानी डर जाता है फौरन। पहला ऐसा समय जब आपको फुट पर अटैक करेंगे और आप गिर जाएंगे तो सामने वाला जीत गया, और वो कभी भी जो आपका पर्स छीनने आया ना, आपको फिजिकली कभी कोई नुकसान नहीं पहुंचाएगा। कैसे? बैड टच नहीं करेगा वो आपको, बिकॉज इट इज नॉट द एम ऑफ दैट गाय, द एम ऑफ दैट गाय इज आपका आपका पर्स और आपको फियर में ला देना। आप डर गए, उसका काम हो गया। तो गब्बर सिंह ने के उसमें कहा था कि जो डर गया सो मर गया, और अक्षय कुमार ने कहा कि जो डर गया वो घर गया। ठीक है, तो आप में से अब अलगुल माकी में दिखाता हूं, फिर वो आप खुद करेंगे। आइए दो दो में आ जाइए, चलो अलगुल माकी, लेफ्ट राइट, लेफ्ट राइट, लेफ्ट राइट, बकेट माकी, लेफ्ट राइट, लेफ्ट राइट, लेफ्ट अनमाकी, लेफ्ट राइट, लेफ्ट राइट। आपको शांत रहना है, मेरा नाक बहुत कीमती है। आपको मैं मान रही हूँ, आपसे मैं मान रही हूँ। ऑलराइट, अब आपको क्या करना है, मैं आपको टेक्निक बताता हूँ। तो आपने मान लीजिए ये वाला हाथ है, ये उठाकर मेरे सर पर मारना, मारिए ये। हाँ, आपने क्या किया, बहुत जोर से मारा, क्योंकि आप जोर से हम सीख रहे हैं, मुझे आपका प्रेशर पता चल गया। अभी क्या है, ये वाला हाथ मारिए, मारिए अभी भी बहुत जोर से, अब मैं मारता आपको मारता हूँ, आपने कभी बिल्ली या कुत्ते को फाइट करते हुए देखा है? देखा है ना? आप पहले तो बैठे होंगे तो उठेंगे तो ऐसे करेंगे, अपनी बॉडी को ऐसे करेंगे, ये स्ट्रेच हम लोग उठने के बाद कभी नहीं करते। इसलिए बर्ड्स को देखिए, बहुत देर एक जगह बैठी है, उड़ेगी तो पहले राइट विंग खोलेगी, फिर लेफ्ट विंग खोलेगी, देन वो उड़ते हैं। दैट इज द बॉडी स्ट्रेच, जिससे कि आपको इंजरी ना हो। हमारे यहाँ ज्यादा स्ट्रोक जो होते हैं, सुबह सुबह लोग होते हैं जो 45-50 के बीच में चले जाते हैं, उनको हाई ब्लड प्रेशर है, डायबिटीज है, जाएंगे और सर पे पानी डालेंगे। सबसे पहले कहाँ लोग ज्यादा करना है, सर पर पानी, नॉट एट ऑल। सबसे पहले आपको नाभि में पानी डालना, ठंडा पानी गर्म नहीं, फिर पैरों का पानी डालना, फिर बॉडी के और दूसरे हिस्सों पर पानी डालना, यही सर्विस मैंने आपको देखिए इसी चीज से खा दी। तो अब आप क्या कीजिए, इधर से ऐसे घुमाइए वाला हाथ, घुमाइए, हाँ ये किधर से घुमाइए, हाँ आपने किसी को मारा, आप एक फौरन तैयार है लात लगाने के लिए। She was just eager के मुझे आता है मैं कर दूँ। अभी फिर ये मारिए, हमें क्या सीख रहे हैं, इधर मारिए। अभी अगर किसी ने आपको मारा और आपने उसके हाथ पकड़ लिया तो वो क्या करेगा, वो क्या करेगा, आपने उसने ऐसे पकड़ा, आपने कुछ खिलाने की कोशिश की, वो ठाक से सर मारा, दूसरी बार में आप उठ नहीं पाएंगे क्योंकि आपके ब्लड का नाक से दोबारा निकल जाएगा। नाउ कोई भी नेगेटिव एस्पेक्ट एंड नेगेटिव पार्ट ऑफ एनीथिंग, वेदर वी आर वर्किंग इन द सोसाइटी, इन द ऑफिस, इन द स्कूल कॉलेज, इन द फैमिली, हमें किसी भी काम के लिए एक्साइटमेंट तो रहे, एनर्जी रहे, लेकिन ओवर एक्साइटेड ना हो। ओवर एक्साइटेड में हमारा पीस ऑफ माइंड जाता है, तो सब हम पैनिक हो जाते हैं। गॉट इट? लव